हम अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। यह कहानी बोझ की है। इस घर में दो भाई रहते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों की पत्नी हमेशा एक बात को लेकर लड़ती थी, वह थी उनके बाबूजी की बात। इस घर में दोनों के पिता भी रहते थे। अब वह बहुत बूढ़े हो गए थे, जिससे वह थोड़े परेशान भी हो जाते थे, जिससे वह कुछ भी कह देते थे। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी कभी कुछ बातें भी कह देता है, मगर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन हम सभी लोग समझते नहीं है। बाबूजी आज बाहर गए थे, अभी तक वह वापस नहीं आए थे। शाम हो गई थी, सभी लोग घर में बैठे थे। उनकी पत्नी यही कह रही थी कि आज बाबूजी घर पर नहीं है, आज अच्छा लग रहा है, जबकि लड़के भी यही सोच रहे थे, मगर यह सोचना अच्छा नहीं है। बाबूजी घर वापस आ रहे थे, वह अभी रास्ते में थे, घर पर वह पहुँचे नहीं थे। तभी उन्हें आवाज आती है कि अगर वह घर पर नजर नहीं आते हैं तो अच्छा लगता है, मगर जब भी घर पर होते हैं तो हमेशा ही उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब वह काम तो कुछ करते नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जब हमारे पति खेत पर जाते हैं तो वहीं पर जाकर बैठ जाए, मगर ऐसा भी नहीं है। हम यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उनके खाने की आदत ऐसी हो गई है कि हर रोज अच्छा खाना बनना चाहिए, मगर अच्छा खाना हर रोज बनता तो है, मगर उन्हें इससे हटकर कुछ अलग चाहिए, हमसे ऐसा नहीं होगा। तभी बाबूजी घर पर आते हैं, वह सभी चुप हो जाते हैं। बाबूजी बैठ जाते हैं, उनके लिए खाना बनता है, मगर वह जानते हैं कि आज उनके पीछे यह बात कही जा रही थी। तभी वह खाना खाते हैं, उसके बाद अपने दोनों लड़कों को बुलाते हैं, वह दोनों आते हैं। बाबूजी कहते हैं कि मुझे यह हर रोज अच्छा नहीं लगता है कि तुम मुझे लेकर बात करो, ऐसा करो कि कल तक मुझे यह बता देना कि मैं किसके साथ में रह सकूंगा। कोई तुम दोनों साथ में नहीं रख सकते हो, तुम्हारी पत्नी को शायद मेरा रहना अच्छा नहीं लगता है। अगर ऐसा नहीं भी हो तो तुम ऐसा कर देना कि मुझे अलग ही कर देना, जिससे शायद तुम पर में बोझ ना बन पाओ। यह बात सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। बड़े लड़के की पत्नी आती है, वह कहती है कि ऐसी बात ना करे, हम ऐसा नहीं सोचते हैं, आप पता नहीं क्यों सोचते हैं। बाबूजी कहते हैं कि मैं तो वही कह रहा हूँ जो मैंने सुना था। बड़ा लड़का कहता है कि आप पता नहीं किन बातों पर ध्यान देते हैं, आपको नहीं सोचना चाहिए, आप अब आराम करो, रात हो गई है, इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बाबूजी सोने चले जाते हैं। जब सुबह होती तो बाबूजी को आज अच्छा लग रहा था, उन्हें सभी में कुछ नया दिखाई दिया, सभी लोग उनकी सेवा कर रहे थे, मगर ऐसा क्यों हो रहा था, आज सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था, वह समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ भूल गए थे। मगर यह बात आज भी है कि शायद वह सभी पर बोझ तो बन गए हैं, क्योंकि तभी आदमी बहुत दुखी हो जाता है। बाबूजी को लगता था कि शायद सब कुछ बदल रहा है, वह सोचते हुए गांव में जा रहे थे। तभी उनका एक दोस्त आता है और उनके हाल पूछता है। बाबूजी कहते हैं कि कुछ खास नहीं है, घर में वही बातें होती है जिनकी अब आदत सी हो गई है, हर रोज घर में वही बातें होती है जो अब सुनी जाती है, उनका कोई भी इलाज नहीं है। तभी बाबूजी का दोस्त कहता है कि ऐसा सुनकर तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, हमेशा यही बातें हमें सुनकर यहाँ पर रुका नहीं जाता है, मगर कुछ कह भी नहीं सकते हैं। वो आगे चले जाते हैं, अपने खेत में जाकर बैठ जाते हैं, अपने खेत को देखते हैं, वो खेत जिसमें वो हर रोज काम करते थे, मगर आज वह सिर्फ उन्हें देख सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। उनका बड़ा बेटा आता है और कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी बाबूजी कहते हैं कि यह खेत देखकर ऐसा लगता है कि आज भी मुझे इसकी याद आती है, एक खेत ही है जो मुझे अपना मानता है, नहीं तो आजकल के बेटे तो बोझ ही समझते हैं। वह कहता है कि ऐसा नहीं है, आप कुछ ज्यादा बातों को लेकर सोचते हैं, जिसका प्रभाव बहुत गहरा भी पड़ता है, आप बहुत कुछ सोचते हैं जिसके बाद आप कुछ और ही मतलब निकालते हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
कुछ देर तक बातें होती है, उसके बाद शाम हो जाती है, दोनों साथ में घर जाते हैं और शायद अब गुस्सा भी खत्म हो जाता है। आज कोई भी गुस्सा नहीं कर रहा था, बाबूजी को भी अच्छा लगा रहा था, शायद अब वो भी उनकी कमी को महसूस करके उनके पास आ रहे थे, जिससे कभी भी कोई झगड़ा नहीं होने पाए। इसी तरह हमें भी अपनों के साथ में रहना चाहिए, शायद इससे वो कुछ समझ सकते हैं। यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे शेयर जरूर करें और हमें भी कमेंट में बताएं।